फ्रेंड्स वेलकम टू प्रख्यास किचन। इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूंग और चने के स्प्राउट्स कैसे बनते हैं। पहले तो इनको भिगोया जाता है पानी में, करीब 8 आवर्स तक ये भीगेंगे पानी में, और फिर कोई भी चन्नी लेके इसको स्प्राउट करने के लिए यानी स्प्राउट होने के लिए पूरे 12 आवर्स यानी ओवरनाइट इसको छन्नी में डाल के ढककर स्प्राउट होने दिया जाएगा। देखिए अब मैंने ये बाउल लिया है, इसमें मैं चना डाल देती हूँ और अपने हिसाब से चना यूज कर सकते हैं। और ये मूंग है, एक चीज और ऐड अप कर सकते हैं इसमें, मॉट आते हैं जो मूंग की तरह होते हैं। अब इसमें ये एक लोटा जितना पानी डाल रहे हैं, पूरा डिप हो जाए ये इतना पानी डाल रहे हैं। अब इसको मैं 8 आवर्स ढक के इसे साइड में रख दूंगी। देखिए दोस्तों ये भीग चुका है, चने भी फूल गए हैं। अब इसको हम धो के छान लेंगे और 12 घंटे यानी ओवरनाइट हम इसको छन्नी में डाल के रखेंगे। कई लोग कपड़े में भी डाल के रखते हैं, वो भी रख सकते हैं। हमारे पास एक स्टील की छन्नी है, बस उसमें हम इसको डाल के रख देंगे। देखिए मैंने स्टील की छन्नी में छान लिया है और नीचे इसके वो प्याला रखा है जिससे इसका पानी पूरा स्टेन हो जाएगा। और इसको ऐसे ही कवर करके थोड़ी गर्म जगह पर इसको ढककर हम रख देते हैं ओवरनाइट यानी 12 घंटों के। ये हमारी चन्नी है, देखिए ऐसे चन्नी में रखती है, इसको हम ढक के अब रख। मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये स्प्राउट्स रेडी हैं। हमने कुछ नहीं किया था, आपको बताया है, जैसे स्प्राउट्स को हमने भिगोया, फिर छाना और चन्नी में नीचे बाउल लगा के ढक के रख दिया। तो इससे क्या है, नीचे बाउल लगाने से उसके अंदर एयर गई, सो दैट ये जर्मिनेट हो पाए अच्छे से। इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, देखिए जैसे विटामिन सी मिलता है इससे, ए और सी मिलता है, और इससे बच्चों का, जैसे छोटे बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होएगा डेली मॉर्निंग में खाने से। इसको हम ज़्यादा भिगो के रख सकते हैं 5-7 दिन तक कोई भी एयर टाइट कंटेनर में ढक के, कोई भी एयर टाइट कंटेनर में ढक के आप इसको बॉक्स में बंद करके फ्रिज में लग सकते हैं। अगर ये आपको न्यूट्रिशियस रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी।